मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे पक्ष में न आने के कारण कांग्रेस ने एक बार फिर अपना पुराना दर्रा अपना लिया है। पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, जो कुछ समय पहले तक खुद दूसरे नेताओं को पार्षद की लालच देकर चुनाव से अपना नाम वापस लेने को कह रहे थे, वो अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि चुनाव लोकतंत्र और नोट तंत्र के बीच है, जनता और प्रशासन के बीच नहीं है। लोकतंत्र और नोटतंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर कांग्रेस नेता का मतलब लोकतंत्र से उनकी पार्टी है, जबकि नोटतंत्र से भाजपा की है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि चुनाव लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच में लड़ा जा रहा है। वही बता दें, 3 नवंबर को भी दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन भारत और कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि विकसित देश क्यों नहीं कराते, क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिसमें चिप है वो हैक हो सकती है। वही कीर्ति चिदंबरम ने बिहार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पिछड़ता देखने के बावजूद ईवीएम पर अपना विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि चाहे चुनाव के रिजल्ट कुछ भी आए, ये समय है ईवीएम को दोष देना बंद किया जाए। मेरे समय में और मेरे अनुभव के हिसाब से ईवीएम मजबूत, सटीक और भरोसेमंद प्रणाली है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के रुझानों ने कांग्रेस को नाउम्मीद कर दिया है। अभी तक की मतगणना में भाजपा 21 सीटों पर और कांग्रेस केवल 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कांग्रेस को उपचुनाव में कम से कम 20 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। ऐसे में 12 मंत्रियों सहित कुल 355 उम्मीदवारों ने 3 नवंबर को उपचुनाव लड़े थे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव में आ रहे रुझानों के बाद से ये साफ हो गया था कि अब कांग्रेस के लिए उम्मीदें पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में समाप्त हो गई है। 21 सीटों पर बीजेपी को बढ़त भी मिल गई है और अब मतदाता से पहला नतीजा भी बीजेपी के खाते में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।